हेलो स्टूडेंट, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन नंबर 1, माय फैमिली। फर्स्ट यू रीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फैमिली एंड टाइप ऑफ फैमिली। देयर यू हैव टू रीड थर्ड 5 टाइप ऑफ फैमिली: स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंड फैमिली। नाउ वी टेक हाउ राइट योर नेम। योर नेम हैज टू पार्ट: फर्स्ट नेम एंड सरनेम। पीपल कॉल यू बाय योर फर्स्ट नेम। द सरनेम इज़ द फैमिली नेम। सरनेम जो होता है वो आपका फैमिली नेम होता है, और आपका नाम जो होता है वो फर्स्ट नेम होता है। ऑल द फैमिली मेम्बर्स हैव सेम सरनेम, फर्स्ट नेम और सरनेम। सपोज एग्जाम्पल: तन्वी शर्मा, राम रावत। मतलब फर्स्ट नेम आपका तन्वी और सरनेम शर्मा। इसमें राम का नाम फर्स्ट और रावत सेकंड, मतलब सरनेम। तो आप आपकी फैमिली में सरनेम के नाम से जाने जाते हो, पूरी फैमिली के एक ही सरनेम होता है, पर जो आप जाने जाओगे वो आपका फर्स्ट नेम कहलाएगा। इसे आपका जो प्रॉपर नेम है वो आपका कहलाएगा। आप जैसे लिविंग इन अ फैमिली, आप फैमिली में रहते हो, फैमिली में जब आप रहते हो तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? वी फील सेफ एंड हैप्पी लिविंग इन अ फैमिली। आप आपकी फैमिली के साथ रहते हो तो बहुत फील सेफ करते हो, सेफ रहते हो, आपको लगता है कि आपको डर नहीं है। मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं तो आपको कोई भी डर नहीं लगता है, और आप हैप्पी भी होते हो। अगर आप अकेले अकेले रहोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपकी फैमिली में आप सेफ और हैप्पी महसूस करते हो। देन नाउ सेकंड, पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड एल्डर इन अ फैमिली। पेरेंट्स क्या करते हैं? आपकी टेक केयर करते हैं, परवाह करते हैं चिल्ड्रन की, और एल्डर इन योर फैमिली, वो बड़े भी होते हैं आपकी फैमिली में, तो उनकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? जैसे आपका चिल्ड्रन टॉक, रीड, प्ले, स्टडी एंड स्लीप विद द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। आप आपकी फैमिली संग टॉक करते हैं, रीड करते हैं, प्ले, ईट, स्लीप, स्टडी, सब चीज़ें आपकी फैमिली के मेम्बर के साथ ही करते हो। आप उनके संग ये सब करते हो, जब आप बहुत सेफ महसूस करते हो, हैप्पी महसूस करते हो। देन नॉट फोर्थ पॉइंट, फैमिली शेयर्स एवरीथिंग। आप फैमिली के संग सब कुछ शेयर करते हो, अपना लंच शेयर करते हो, अपना खाना शेयर करते हो, अपना टॉयज शेयर करते हो, अपनी फीलिंग शेयर करते हो। तो फैमिली मेम्बर्स के संग अपनी फीलिंग भी शेयर करते, सब चीज़ें जितनी भी होती अपन शेयर्स करते हैं। देन नाउ फिफ्थ पॉइंट, दे शेयर रूम भी शेयर करते हो, फूड शेयर करते हो, बुक शेयर करते हो, टॉय शेयर करते हो, एक्सेट्रा, है ना। तो आप ये सब काम करते हो। अब आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या करते हैं? मान लो सपोज ये आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स आपको क्या करते हैं? फूड खिलाते हैं, आपके लिए क्लोथ लाते हैं, बुक लेके आते हैं अपने चिल्ड्रंस के लिए। तो पेरेंट्स बेचारे क्या क्या करते हैं आपके लिए? पेरेंट्स आपके लिए क्लोथ लाते हैं, बुक्स लाते हैं, आपके लिए फूड लेके आते हैं, टॉय लेके आते हैं, आपकी नेसेसरी जो सब जितनी भी थिंग्स हैं आपका ध्यान रखते हैं, आपको सेफ रखते हैं, आपको हैप्पी रखते हैं, आपको हर डेंजर से बचाते हैं। देन सेकंड पॉइंट, पेरेंट्स टेक केयर देयर चिल्ड्रन टू द डॉक्टर एंड व्हेन दे आर सिक। जब क्या होता है, बच्चों का टेक केयर करते, देखभाल करते हैं, और उनको बीमार हो जाते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द कॉफ एंड कोल्ड या फीवर, देन योर पेरेंट्स विल सेंड यू इन फ्रॉम द व्हेन दे आर सिक, योर पेरेंट्स सेंड यू इन द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर गिव यू मेडिसिन एंड चेक योर बॉडी। देन नाउ वी टेक थर्ड पॉइंट, चिल्ड्रन मेक द फैमिली हैप्पी विथ देयर पोलाइट मैनर। चिल्ड्रन क्या करते हैं? अपनी फैमिली के संग हैप्पी रहते हैं और उनके संग पोलाइट मैनर्स के साथ रहते हैं। और आप जो भी क्वालिटीज सीखते हैं अच्छे अच्छे, जैसे अपने गुड मैनर, ये सब कहाँ से सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपनी फैमिली में सीखते हैं। इसलिए आपको अपने पेरेंट्स के संग रहना चाहिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें भी सीखनी चाहिए, और उनकी भी फीलिंग की आपको कद्र करनी चाहिए। देन नाउ नेक्स्ट है, चिल्ड्रन मेक द बेड एंड कीप देयर रूम क्लीन। चिल्ड्रंस को भी क्या करना चाहिए? पेरेंट्स इतनी चीज़ें करते हैं उनके लिए, तो उनको भी अपना बेड बनाना चाहिए। बेड मतलब बिस्तर लगाना चाहिए, बिस्तर को अगर सो के उठ जाए तो अपने बिस्तर को सेफ प्लेस पे रखना चाहिए,
एंड कीप देयर रूम क्लीन, अपने रूम को भी क्लीन करना, ताकि आपको भी अपना रूम क्लीन रखना चाहिए। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी पापा की फीलिंग का ध्यान रखो, उनके मम्मी के संग आप गार्डनिंग में पानी दे सकते हो, उनके कुकिंग में थोड़ी हेल्प कर सकते हो, पापा की कार वगैरह धुलवाने में हेल्प कर सकते हो, स्कूटर धुलवाने में, तो आपका भी काम होता है। और जो वो बात कहते हैं उसको ध्यान से सुनो, ये आपकी भी ड्यूटी बनती है। तो इस तरह से हमें अपनी फैमिली में बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए, सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपके एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको आपको उनकी हर बात को मानना चाहिए। नाउ दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर, नाउ वी विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, एंड यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट रेगुलरली एंड स्टे हेल्दी एंड कीप सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।